बाल विकास परियोजना के माध्यम से उपमंडल मुख्यालय सलोनी पर शनिवार को पोषण आहार सप्ताह के तहत खंड स्तरीय पोषण दिवस मनाया गया, जिसमें एसडीएम सलोनी विजय कुमार धवान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि वीडियो सलोनी प्रताप चौहान, वीएमओ सलोनी मनोज ठाकुर व नायब तहसीलदार सलोनी संजय कुमार विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस पोषण दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा वर्करों ने घर में दिए जाने वाले पौष्टिक आहारों की प्रदर्शनी लगाई, जहां उन्होंने घर में परोसे जाने वाले लजीज पकवानों को प्रदर्शनी में पेश किया। इस मौके पर एसडीएम विजय कुमार धवान ने पिछड़ा जिला चंबा के इस क्षेत्र को पिछड़ेपन से दूर करने पर अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य पर बल देने के लिए कहा। वहीं स्वच्छता ही सेवा के तहत वीडियो प्रताप चौहान ने प्लास्टिक का प्रयोग न करने, अपने आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की नसीहत दी। बीएमओ मनोज ठाकुर ने पोषण आहार पर बल देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को पौष्टिक आहार दें व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पोषण दिवस दौरान नायब तहसीलदार संजय कुमार ने निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की जानकारी दी। इस मौके पर खंड की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा वर्कर मौजूद रहे। तीन चार अभियान चल रहे हैं, जिसमें सितंबर माह जो है हम एज पोषण माह के रूप में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। साथ में माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 11 सितंबर को एक स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया था। साथ में हमारा एक मेरे अपने ऑफिस से संबंधित, इलेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित एक कार्यक्रम चला हुआ है, 1 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक चलेगा, 1.5 माह तक इलेक्शन इलेक्टर वेरिफिकेशन प्रोपन जा सके। पोषण अभियान के बारे में हमारे साथ बीएमओ साहब उपस्थित थे, उन्होंने डिटेल में जानकारी दी है फील्ड वर्कर्स को, और ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि जो है इनको निर्देश भी दिए हैं कि वो फील्ड में जाके, क्योंकि अभी कुछ ही समय पोषण अभियान जो के लिए बचा है उसमें मैक्सिमम कोशिश करें, स्कूलों में जाएं, जहां लोग फील्ड में लोग गैदरिंग ज़्यादा है वहां पे लोगों को इस अभियान के बारे में बताएं। साथ में जहां तक स्वच्छता है वो तो हर डिपार्टमेंट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। जैसे हमारा इलेक्शन मतदाता सत्यापन का कार्यक्रम चला है, तो खैर हमारे बीएलओ हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं घर घर जाके, तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि जहाँ पे फील्ड के वर्कर जो इकट्ठी हुई है इनके माध्यम से भी हम जो है इस अभियान को अंजाम दें, ताकि हमारे और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आए। इसमें जैसे इस अभियान के तहत जो है किसी का भी इलेक्टर की कोई डिटेल कोई गलत लिखी गई वोटर कार्ड में उसको वो चेंज करवा सकता है। उसके लिए जो है किसी भी तरह की अगर फैमिली कार्ड की हमने जानकारी दी, यहाँ तक माननीय उपायुक्त महोदय ने मुझे निर्देशित किया था कि जहाँ पे भी लोग जहाँ इकट्ठे हों तो आकांक्षी जिला होने के नाते इसके क्या पैरामीटर हैं, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, जिले को कैसे फॉरवर्ड बना सकते हैं, तो आपने इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ लोगों को जानकारी देनी है। जैसे इसमें मेन हेल्थ डिपार्टमेंट का रहता है, बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट कम होता है और उनकी हाइट